सो गाइज़, अगर आप भी इस तरह की वायरल फोटो एडिटिंग वीडियो बनाना चाहते हो तो गाइज़ आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। गाइज़ इस तरह की वीडियो इंस्टा पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मैंने उससे आपको बता दूं। तो गाइज़ मैंने इस वीडियो को तीन पार्ट में भाग किया। पहला पार्ट कि गाइज़ मैं आपको AI से इमेज जनरेट करना बताऊँगा, उसके बाद गाइज़ मैं आपको पिक्सार्ट से इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग बताऊँगा, और जो हमारा तीसरा स्टेप है कि हम आपको इस तरह की वीडियो एडिट करना बताएँगे तो गाइज़ मैं ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे। देखिए गाइज़, हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है यहाँ से। हम गाइज़ हम प्रॉम्प्ट लिख के हम जनरेट करेंगे AI इमेज। तो गाइज़ हमें गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद गाइज़ हमें यहाँ पे सर्च करना है बीइंग AI इमेज क्रिएटर। तो गाइज़ मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद गाइज़ मेरा डाटा ऑफ है, मैं इसे ऑन कर देता हूँ, और गाइज़ मैं यहाँ पे दोबारा सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद गाइज़ कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जो पहली वेबसाइट आई है आपकी बीइंग वाली, जहाँ लिखा है इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। पहली बार आए हो तो यहाँ पर आपसे लॉगिन या साइनअप के लिए बोला जाएगा, तो गाइज़ आपको कर लेना है। लॉगिन या साइनअप करने के बाद गाइज़ मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना गाइज़। और डिस्क्रिप्शन से जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाता है। बहुत बंदों को कमेंट आता है कि नहीं होता है, तो गाइज़ आप करके देखना, आप हो जाता है। 2024 का जो यूट्यूब का अपडेट है इसमें हो जाता है। तो गाइज़ मैंने टेक्स्ट को प्रॉपर एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करने के बाद गाइज मैं वेट कर लेते हैं एक दो सेकंड। सो गाइज इसने दे, आप देख सकते हो इसने जावेद नाम की इमेजेस दे दी हैं क्रिएट करके। तो गाइज मैंने जो नाम डाला था, जो स्मोक का कलर डाला था, सेम वैसे ही आ चुका है। और गाइज ये इमेज अभी ओपन हो गई है, तो गाइज मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करना, जस्ट आपकी गैलरी में डाउनलोड आ जाएगा गाइज। जैसे आप देख सकते हो इसने कई सारी इमेजेस आपको क्रिएट करके दे दी हैं, आप जो चाहोगे वो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे गाइज ये वाली भी डाउनलोड आप कर सकते हो। और हाँ गाइज, यहाँ अगर नाम में आपने मिस्टेक आई है तो गाइज आपको दोबारा क्रिएट पे क्लिक करना है, ये दोबारा आपको क्रिएट करके दे देगा। तो गाइज हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि हमें गाइज AI से इमेज जनरेट करनी है स्मोकिंग वाली, अगर हम ये वाली वीडियो बना रहे हैं। तो गाइज आपको प्रॉम्प्ट बहुत मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो। तो गाइज हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। तो गाइज हम एकदम बैक चले जाते हैं। अब बैक जाने के बाद गाइज हम अपना पिक्सआर्ट ओपन करते हैं। पिक्सआर्ट में हम फोटो को एडिट करेंगे। तो गाइज इसमें एडिट करने के लिए मैं पिक्सआर्ट ओपन कर लेता हूँ। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद गाइज मैं फोटो को थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। इसमें देखिए गाइज ये पिक्सआर्ट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद गाइज मैं अब एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए गाइज, मान लो मैं इस वाली इमेज को बनाना चाहता हूँ, तो गाइज मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइज मैं यहाँ से इसे फिट किए लेता हूँ। देखिए गाइज मैं इसे यहाँ से फिट कर लेता हूँ। फिट करने के लिए गाइज मैं इस पर इंस्टाग्राम का दे देता हूँ, फिर इसे इसके साइज में मैं लगा देता हूँ। जैसे गाइज मैंने ये लगा दिया इसके साइज़ में। इसके साइज़ में लगाने के बाद मैंने सही पे टिक कर दिया। सही पे टिक करने के बाद गाइज अब हमें इसमें ऐड फ़ोटो करना है। ऐड फ़ोटो पे हम जाएंगे। ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद गाइज हम फिर उस इमेज को दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, फिर हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो ये दूसरा स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है कि हमने फ़ोटो को एडिट कर लिया। अब एडिट करने के बाद हम इस फोटो की वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो बनाने के लिए हम बैक जाएंगे, ये हमारी गैलरी में डाउनलोड हो चुका है। जो हमारा थर्ड स्टेप है, हम वीडियो एडिट करेंगे। तो गाइज आप में कैपकट और गाइज ये सुपर VPN आप में होना चाहिए। तो गाइज आपको कैपकट और सुपर VPN कैसे डाउनलोड करना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो गाइज। और गाइज मैं आपको ये VPN बता रहा हूँ, VPN कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। VPN डाउनलोड करने के लिए गाइज आपको अपने प्ले स्टोर में सर्च करना होगा सुपर VPN फास्ट VPN क्लाइंट, आपको ये डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद गाइज इसे आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे गाइज मैं ये डिसकनेक्ट है अभी, मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे गाइज कनेक्ट के लिए मैं सिंगापुर का नेटवर्क बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं सिंगापुर ही चॉइस कर लेता हूँ। सिंगापुर चॉइस करने के बाद गाइज इसको कनेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। बस ही गाइज 2-3 सेकेंड लेगा, फिर कनेक्ट हो जाएगा। गाइज यहाँ से VPN कनेक्ट होने के बाद, गाइज सिंगापुर से आपने VPN कनेक्ट कर लिया। VPN कनेक्ट होने के बाद गाइज यहाँ पे एक ऐड आएगा, आपको ये ऐड आया है तो गाइज आपको स्किप कर देना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो गाइज हमने VPN को कनेक्ट कर लिया, अब इसे हमें ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना है। अब गाइज हमारा जो आता है स्टेप वो कि हमको गूगल में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है टेक्निकल सुजीत। जैसे गाइज आप ये सर्च करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, वीडियो एडिटिंग लिखा है, तो गाइज आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका आएगा। जैसे गाइज आप देख सकते हो कि इसने टेक्निकल सुजीत आया। तो गाइज हमें यहाँ पे सर्च करना है ICAL। तो गाइज मैं सर्च कर लेता हूँ ICAL। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर जो आपका पहला टेम्पलेट आएगा,
जैसे ये आया ICL कैप का टेम्पलेट लिंक, तो गाइज आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो गाइज कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो गाइज आपको यहाँ इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। तो गाइज आप ऊपर की ओर स्क्रॉल कर दें। स्क्रॉल करने के बाद गाइज यहाँ पे लिखा है यूज़ दिस टेम्पलेट, तो गाइज आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप गाइज इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूज़ दिस टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना, ये आपको कैपकट एप्लीकेशन में लेके चला जाएगा। तो गाइज़ जैसे आप कैपकट एप्लीकेशन में आ जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेम्पलेट के बारे में दिया हुआ है, तो आपको करना है यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक। तो गाइज़ इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपसे वो इमेज कहेगा जिस इमेज की आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो गाइज़ मैंने जो पिक्सार्ट से एडिट किया था वो मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ। चुन के बाद मैं यूज़ पे क्लिक करता हूँ। यूज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज़ 2-3 सेकंड की लोडिंग लेगा। फिर लोडिंग के बाद गाइज़ ये यहाँ पे आपको क्रिएट करके दे देगा। तो जैसे गाइज़ वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब गाइज़ हमें क्या करना है, सिंपली इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे ऊपर कोने में, और ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा विथआउट वाटरमार्क। तो हम विथआउट वाटरमार्क पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। गाइज ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, हो जाएगा अभी। देखिए गाइज 70% तक हो चुका है फाइनली। सो गाइज फाइनली 100% हो चुका है। तो गाइज मैं आपको अपनी गैलरी में वो वीडियो ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए गाइज मैं अपनी गैलरी ओपन करता हूँ। गैलरी ओपन करने के बाद जो फर्स्ट वीडियो है मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। गाइज वैसी सेम बन के आई है जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। तो गाइज आप देख सकते हो इस तरह की वीडियो बन जाती है। गाइज मैं आवाज़ स्लो कर देता हूँ ताकि आप बनाए। देखिए गाइज इस तरह की वीडियो आप बना सकते हो। और गाइज आपको कोई इशू आए तो आप मेरे को कमेंट करो। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और गाइज मेरे को सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे भाई।